के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी विद डिफरेंस में मतभेद खोलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर पार्टी में हार पर मंथन का दौर जारी है, तो वहीं बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि हार का असल जिम्मेदार कौन है। अब राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में हार की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली, तो वहीं पार्टी छोड़कर गए और अब कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वा ने राठौड़ को 4 से 5 सीटों पर हार की वजह बता दी है। इसी बीच सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के पास भी ऐसी तमाम वजहों की पूरी सूची है जो कि प्रदेश में खराब प्रदर्शन का सबब बनी है। देखिए हार पर मची रार पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मरुधरा में इस बार कमल पूरी तरीके से नहीं खिल पाया। पिछले 2 आम चुनाव के मुकाबले इस साल पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जाहिर है ऐसे में हार के कार्डों पर मंथन तो बनता ही है कि आखिर 2014 और 2019 में सूबे में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के हाथ में 1-2 नहीं बल्कि 11 सीटें कैसे फिसल गई। हर कोई हार के अपने अपने कारण गिना रहा है, कहा कैसे और किससे चूक हुई। खास करके चूरू जिले में हार पर खासा सिर्फ उटावल देखने को मिल रहा है। दरअसल इस पूरे मंथन चिंतन के दौरान सबसे दिलचस्प रहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान, जिन्होंने चूरू जिले में हार की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। चूरू में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान राठौड़ ने न केवल खुद को ही हार का दोषी बता दिया बल्कि इसके लिए माफी भी मांगी। हालांकि उन्होंने इशारों में राहुल कस्वा को भी घेरा, जिन्होंने टिकट कटने पर कांग्रेस का दामन थाम लिया। और दिलचस्प ये रहा कि कस्वा ने जीत भी दर्ज कर ली, यानी जो जीत बीजेपी के खाते में जा सकती थी वो कांग्रेस के हाथ लग गई। अब राठौड़ के बयान पर कस्वा ने भी करारा पलटवार किया और उन्हें 5 सीटों पर हार की वजह करार दिया। कस्वा के मुताबिक राठौड़ की जिद के चलते बीजेपी ने 5 सीटें गवा दी। जिस प्रकार की गोलबंद की गई और हमारी सामाजिक समरसता को जिस प्रकार तोड़ा और मरोड़ा गया, हरलाल जी चिंता मत करो, बोया वो पौधा बबूल का तो आम कहां से होए, जिसने जैसा वो बीज बोया है उसका उस बीज का जहरीला फल भी उसी को किसी न किसी वक्त चखना पड़ेगा। मैं तो आज एक इंटरव्यू सुन रहा हूं, उनको बताई कि मेरे बारे में एक बड़े नेता जी ने यह बात कही कि इतने साल पार्टी में रहे, जिस टहली पे बैठे हुए हैं उसी को काटने की कोशिश करी जा रही है, उसी को काट रहे हैं। आज भी का तो स्वीकार कौन करने पर पार्टी का 2 बड़ा बड़ा नेता देवी सिंह जी भारती और अब सुमेधानंद जी मान चुके हैं कि काको कारण तो तू ही है, सीट 5 भी मारी मानने का ना मानने। भले ही चूरू में हार को राठौड़ ने अपने खाते में डाल लिया, लेकिन पार्टी में ऐसे कई नेता जिनके हार को लेकर अगर विचार है तो सीकर से पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद ने प्रदेश में पार्टी की हार का ठीकरा अग्निवीर योजना पर फोड़ दिया और कहा कि युवाओं को योजना समझाने में नाकामी का खामियाजा हार के तौर पर देखना पड़ा। राहुल कस्वा को लेकर भी बोले और कहा कि इससे 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं सुमेधानंद की माने तो चुनाव प्रचार से वसुंधरा राजे की दूरी भी पार्टी को भारी पड़ गई। नहीं, उसका हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 1% भी प्रभाव है तो 22 लाख वोटों में 20,000 वोटों का असर पड़ता है। 1% की बात, जैसे मैं 70,000 वोटों से आ रहा हूँ तो 1% भी अगर उसका असर है तो 20,000 वोटों का असर हुआ कि नहीं, लेकिन 22 लाख वोटों में 1% 22,000 वोट बनता है तो एक उसका प्रभाव रहा। और पार्टी इन सब विषयों के ऊपर समीक्षा कर रही है, पार्टी चिंतन करेगी। यानी जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पार्टी हारी तो इसकी ठोस वजह भी होगी। जहां अब पार्टी के नेता तमाम मुद्दों को हार की वजह बता रहे हैं, तो वहीं दिलचस्प ये भी है कि अंदर खाने पार्टी अपने ही नेताओं को इस हार का कारण मान रही है। जी हां, हाल ही में 2 दिन पहले मंथन के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि कहीं न कहीं पार्टी अपने ही नेताओं के चलते पिछड़ी है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर हार का असल जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।